हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं अनस और आप देख रहे हैं नमचो यूट्यूब चैनल। और आज मैंने सेकंड व्लॉग और हम रनिंग कर रहे हैं, जैसे कि रोजाना करते हैं। मम्मी बोरी आगे, मैं भी कर रहा था, अब मम्मी को पकड़ना है। तो पहले आपको दिखाया था मम्मी कहाँ पर हैं। वो रही मम्मी ब्लैक में जो बैठ रही हैं, उन्हें पकड़ते हैं। खैर अब पकड़ना था, मेरे को पास में मैं रुक गई। क्या हुआ, थक गई? चलो भागो, चलो। सांस फूल गई अम्मी का, इस बार अम्मी आराम आराम चल रही है। पार्क जाके बैठोगी ना? चलो मिलते हैं आपसे पार्क में। पार्क में हम आ गए थे और बस जॉगिंग कर रहे हैं, पार्क के गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं। और अम्मी वजी अम्पी हो रही, नो फायदा चली गई अपने घर, इसमें लाइफ फायदा भी नहीं आई। और बस ऐसे ही जॉगिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम ज़्यादा करते नहीं हैं, कि मम्मी को चलाते हैं ज़्यादातर हम, क्योंकि मम्मी की शुगर हाई रहती है, तो कंट्रोल में आ जाती चलने से। बस और क्या, साथ में हम भी चल लेते थोड़ा बहुत। चलिए गाइस, हमें 500 जंप लेने थे, 300 जंप ले लिए। हार्ट बीट 167, हो 30 सेकंड का ब्रेक लेते हैं, फिर करेंगे दोबारा। 500 जंप कंप्लीट हो गए हैं। मेरे लिख बहुत फट रहे हैं ना, और बहुत थक गए। और मम्मी का हो रही मम्मी पेड़ के पास गुड़खे में। और चलो अब कुछ और करते हैं। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि मशीन से ही खाली हो जाएं, बढ़िया लोग लगे पड़े हैं, देखते हैं कितनी देर में खाली होंगे। नहीं, वो इंतज़ार कर रहे हैं, खड़े हुए सारे के सारे, वो खाली हों तो हम जाएं। मैंने बहुत मजा था यार, इसके मेरे तो नहीं आएगा, पास जाओ। तो इसमें क्या है, आप इसमें वेट लॉस, मतलब इसका वेट कम नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपका वेट होगा वही स्टोर होगा। तो इसमें थोड़ा मुश्किल तो है, शुरू शुरू में तो कम वेट होना चाहिए यार, लेकिन नहीं, इसमें अपने वेट से कर सकते हैं। नहीं कर पाओगे, बहुत भारी है, मम्मी खींचेंगी मुझे, नहीं कर पाओगे। यू नो ये वाली एक्सरसाइज मशीन सबसे फनी लगती है मुझे, आप पूरे ऐसा लगता है कि भाई क्या कर रहे हो, देख के हंसी आती है। और ये मम्मी है जो मम्मी एक्सरसाइज कर रही है, और मैंने अभी वीडियो कुछ देर पहले मम्मी उतर गई थी। और अस्मपी हो रही, अस्मपी हो रही। गाइस हम घर जा रहे हैं, क्योंकि 2 घंटे हो चुके हैं पार्क आए हुए और 10 बज गए हैं, तो आपसे मिलते हैं हम घर पहुँच के। ठीक है, पार्क से आ गया था मैं और अब नाश्ता कर रहा हूँ, या नाश्ता, और आपसे मिलता हूँ नाश्ते के बाद। गाइस मैं नाश्ता करके शॉप पे आ चुका हूँ, और पापा ने मुझसे कहा कि उनका पैन कार्ड है, उसमें कुछ करेक्शन करनी है, तो इसलिए मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हूँ। और मैं वीडियो देख चुका हूँ, जहाँ तक मुझे समझ में आया कि आपके पास 3 मैथड्स होते हैं, तो सबसे आसान मैथड जो है उसके लिए उसे बोलते हैं ई वेरीफिकेशन। तो आपके लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, और जो आधार कार्ड पर रजिस्टर है मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। तो मेरे पास तो दोनों चीज़ें हैं, तो इसलिए मैं ई वेरीफिकेशन ही करूँगा, और बहुत ही आसान है, तो मैं चलो कर लेता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। गाइस करेक्शन हो चुकी है पैन कार्ड पे, और मुझे एक्नॉलेजमेंट नंबर ही मिल चुका है। मैंने इसका प्रिंट आउट निकाल लिया है, वैसे प्रिंट आउट निकालना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 15 डेज में आपके घर पर डिलीवर हो जाता है। और मेरा टोटल अमाउंट लगा है 107 रुपीज़, और अगर मैं यही किसी साइबर कैफे से करवाता तो मेरे 250 लग ही जाते हैं। और बहुत ही आसान है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कि मैंने भी एक बार वीडियो देखने से ही करा है, तो आप भी वीडियो देखोगे तो आप आराम से कर लोगे। गाइज अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।
और बस चलिए चलता हूँ, देखो मैं याद रहेगा, फिर लौटूंगा एक नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।